Hey guys, in this video, I am breaking down the best robotic vacuum cleaner in 2022. तो गाइस आप एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहे हैं जो कि आपके बजट के साथ साथ आपको कई सारे फीचर्स लाइक वॉइस कंट्रोल, लेजर नेविगेशन, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ऐप कंट्रोल जैसे कई सारे एडवांस फीचर्स यहां पे आपको मिल जाए तो आप एकदम सही जगह आए हो। सो डोंट वरी, इस लिस्ट में पावरफुल रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स को सेलेक्ट किया है जो कि वैक्यूम एंड मॉपिंग एट अ सेम टाइम इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। प्राइस यहां पे 10-30,000 रुपीज तक की रखी है एंड ट्रस्ट मी, काफी डीप रिसर्च के बाद इन्हें इस लिस्ट में लिया है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। और एक और बात, ये वैक्यूम क्लीनर्स आपके वन टाइम इन्वेस्टमेंट वैक्यूम क्लीनर्स हो सकते हैं। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, लिस्ट में एट नंबर 5 पे आने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपको इनाल्सा की तरफ से देखने को मिल जाता है। गाइस ये एक गायरो बेस्ड वैक्यूम क्लीनर है जो कि अपने हिसाब से एरिया को सेंस करके अच्छे से क्लीनिंग करता है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनको डस्टिंग, पैट हेयर क्लीनिंग के लिए बजट फ्रेंडली रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। हालांकि यहाँ पे आपको मॉपिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है बट वो इतना सही नहीं है, बस वो नॉर्मल मॉपिंग करता है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, राउंडेड शेप के साथ साथ अपर साइड में यहाँ पे आपको पावर बटन और इनाल्सा की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। सक्शन पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 1800 पास्कल की सक्शन मोटर मिल जाती है जिसमें यहाँ पे आपको 7 क्लीनिंग मोड्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल, एलेक्सा, गूगल असिस्ट, ऐप कंट्रोल जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाती है जिसमें आप सभी तरह के ऑपरेशनल वर्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फीचर्स में यहाँ पे आपको स्मार्ट नेविगेशन, 120 मिनट्स रन टाइम, डिफरेंट क्लीनिंग मोड्स, ऐप कंट्रोल, ऑटोमेटिक रिटर्न टू इट्स चार्जिंग बेस, पावरफुल सक्शन जैसे कई सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 10,600 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में ये भी काफी अच्छा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, लिस्ट में एट नंबर 4 पे आने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपको हेयर की तरफ से देखने को मिलता है। अब गाइज, 15,000 रुपीज की प्राइस रेंज में ये काफी बढ़िया एंड एडवांस वैक्यूम क्लीनर है। आप देख सकते हैं एलिगेंट डिजाइन के साथ साथ अपर साइड में आपको हेयर की ब्रांडिंग के साथ में ग्लोसी ग्लास एंड पावर बटन्स मिल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस प्राइस रेंज में ये डस्टिंग के साथ साथ मॉपिंग भी काफी अच्छे से करता है। यहाँ पे आपको 2200 की पावरफुल सक्शन मोटर मिल जाती है जिसमें ये हैवी से हैवी पार्टिकल्स को इजीली सक कर लेता है। कनेक्टिविटी में वही एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, रिमोट, ऐप कंट्रोल जैसी सभी तरह की कनेक्टिविटी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी के फीचर्स यहाँ पे आपको वॉइस कंट्रोल, ऑटो रिचार्ज, स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर, 600 ml डस्टबिन, 350 ml वाटर टैंक जैसी फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाती है जिसमें टोटल रन टाइम 100-120 मिनट्स का मिल जाएगा। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको अराउंड 15,000 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में ये हमारी इस लिस्ट का काफी बढ़िया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइस, लिस्ट में एट नंबर 3 पे आने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपको प्रोसेनिक की तरफ से देखने को मिलता है। गाइस, 20,000 रुपीज की प्राइस रेंज में ये सबसे ज्यादा सक्शन पावर वाला एडवांस वैक्यूम क्लीनर है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं प्रीमियम ग्लॉसी फिनिश के साथ में, अपर साइड में आपको 3 बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी 3000 पास्कल की यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सक्शन मोटर मिल जाती है जो की कारपेट, हार्ड फ्लोर्स एंड बाउंड्रीज को इजिली क्लीन कर सकता है। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको एलेक्सा, गूगल होम, रिमोट कंट्रोल, ऐप कंट्रोल जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाती है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्मार्ट गायरो नेविगेशन, वॉइस कमांड, 500 ml डस्टबिन, 300 ml इलेक्ट्रिक वाटर टैंक, क्लीनिंग मोड्स, मैग्नेटिक टैप, इंटेलिजेंट क्लीनिंग सिस्टम, हैपा फिल्टर, 100-120 मिनट्स रन टाइम, ऐप कंट्रोल, ऑटोमेटिक रिटर्न टू इट्स चार्जिंग बेस, पावरफुल सक्शन जैसी ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब गाइज, यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जिसमें ये
वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम एंड मॉपिंग एट अ सेम टाइम इजिली परफॉर्म करता है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 21,000 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में अगर आपको एडवांस फीचर वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर लेना है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजिली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, लिस्ट में एट नंबर 2 पे आने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपको iLife A11 देखने को मिलता है। अब गाइस, ये भी हाई परफॉर्मिंग एडवांस वैक्यूम क्लीनर है एंड स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट 30,000 रुपीज तक का है और इस प्राइस रेंज में उनको पावरफुल सक्शन मोटर चाहिए। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ अपर साइड में आपको 2 बटन एंड नेविगेशन सेंसर मिल जाता है। कनेक्टिविटी में वही रिमोट कंट्रोल, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ऐप कंट्रोल जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाती है। फीचर्स में यहाँ पे आपको वाई पैटर्न क्लीनिंग, मल्टीपल फ्लोर मैपिंग, वॉइस कंट्रोल, ऑटो रिचार्ज, लेजर नेविगेशन, मैक्सिमम 4000 पास्कल सक्शन पावर जो कि इस लिस्ट की सबसे ज्यादा पावर वाली मोटर है एंड यहाँ पे आपको टोटल रन टाइम 100-120 मिनट्स का मिल जाता है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 30,000 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में ये भी काफी बढ़िया रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, लास्ट नंबर 1 पे आने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपको शाओमी की तरफ से वैक्यूम 2 प्रो देखने को मिलता है। अभी गाइज, ये एक प्रोफेशनल हाई डिमांडिंग रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला वैक्यूम क्लीनर है। डिजाइन आप देख ही सकते हैं, प्रीमियम ब्लैक कलर फिनिश के साथ में अपर साइड में MI की ब्रांडिंग, N2 बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड गाइज 30,000 रुपीज की प्राइस रेंज में ये काफी अच्छा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आपको रिमोट कंट्रोल, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ऐप कंट्रोल जैसी सभी तरह की ऑप्शंस मिल जाती है। बाकी फीचर्स में यहाँ पे आपको लेजर नेविगेशन, मल्टीपल फ्लोर मैपिंग, वॉइस कंट्रोल, ऑटो रिचार्ज एंड 3000 पास्कल सक्शन पावर मोटर मिल जाती है जो कि इसके फंक्शंस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। टोटल रन टाइम यहाँ पे आपको 100-120 मिनट्स का मिल जाता है। सो ये भी काफी बढ़िया है। बात करें इसकी प्राइस की तो ये आपको अराउंड 31,000 रुपीज में अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, 30,000 रुपीज की प्राइस रेंज में ये हमारी इस लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट वैक्यूम क्लीनर है। अगर आप इसे खरीदना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, वैक्यूम क्लीनर खरीदने का अगर आपका कोई डिफरेंट क्राइटेरिया हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से अलग अलग वैक्यूम क्लीनर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ में।